सब्सक्राइब कीजिए फोन प्लस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फोन प्लस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं सुबह ही जियो फोन को देख रहा था तो मुझे मिला दो नए ऐप, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के बता देता हूँ इसके बारे में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे क्या है वो दो नए ऐप्स और कैसे काम करता है, कैसे इसको आप डाउनलोड करना है। दोस्तों वो जो दो नए ऐप हैं वो है, पहला ऐप है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट आपको पता ही होगा, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं इसमें आइकन है गूगल असिस्टेंट, आपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज किया होगा, लेकिन जियो फ़ोन में भी ये गूगल असिस्टेंट आ गया है। कैसे आया, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप सॉफ्टवेयर अपडेट अगर है आपका फ़ोन ऑटो अपडेट मोड में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके देखिए, सेटिंग में जाके, सेटिंग में पहले जाइए, उसके बाद आप जाइए डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे आप कर सकते हैं अपडेट। मेरा ऑलरेडी अपडेट अप टू डेट है तो मेरा ये गूगल असिस्टेंट आ गया है। तो उसको कैसे यूज करना है, सिंपली यहाँ पे टच कीजिए। ये वॉइस कमांड से काम करता है। देखिए मैं इसको कुछ पूछूंगा तो ये इसका जवाब दे देगा, ठीक है। ऑन हो गया। अभी हम माइक बटन को बीच में क्लिक करेंगे, ठीक है, इस बीच वाले को जो बटन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये टाइप हो रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद। देखा, सही सही जवाब दे दिया। चलिए कुछ और पूछते हैं। हु इज अमिताभ बच्चन। According to Wikipedia, Amitabh Bachchan is an Indian film actor, producer, television host and former politician. आप इसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये सही सब सब आंसर लगभग सभी सवालों का सही सही जवाब दे देगा। Show me some pictures of red roses. Check out these pictures. देखिए यहाँ पे रेड रोजेस का फोटो आ गया। इसी तरह गूगल असिस्टेंट काम करता है, तो आप अपने जियो फोन में इसको यूज करते हैं, ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ हो गया। प्ले जन गण मन ऑन यूट्यूब। प्ले म्यूजिक। देखिए डायरेक्टली यूट्यूब खुल गया और उसमें आ गया। मैं भी प्ले नहीं करूँगा क्योंकि वो कॉपीराइट है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है गूगल असिस्टेंट, ये जियो फोन में दे दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा ऐप के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो ऐप है ये, ठीक है, क्रिकेट का स्कोर देखने के लिए है। इसका नाम है क्रिकेट नेक्स्ट। देखिए जैसे स्कोर, लाइव स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी लोगों की ज़रूरत ही थी, लाइव स्कोर आप जियो फोन से आप मैनुअली जाना पड़ता था इंटरनेट में, उसके बाद ही देख सकते थे। लेकिन ये एक ऐप आ गया है, ये ऐप आपको जियो को जियो के स्टोर में मिल जाएगा, जो आप जियो फोन में है जियो स्टोर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है, ये देखिए लाइव स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये ऐप, छोटे से जियो फोन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। देखिए ये सब आने वाला मैच जो है, रिजल्ट सब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच काम करता है उसी तरह ही ऐप है, बिल्कुल क्रिक बज की तरह ही है। आप इसको जियो फोन का क्रिक बज भी बोल सकते हैं। क्रिकेट नेक्स्ट है इसका नाम। ये देखिए स्कोर है, आगे क्या क्या मैचेस होने वाले हैं, रिजल्ट्स है, यहाँ पे न्यूज है, सब है। तो ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे होगा जियो का स्टोर, ये देखिए जियो स्टोर में आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया था, देखिए मनी कंट्रोल, ये है क्रिकेट नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और क्रिकेट का एंजॉय कीजिए। क्रिकेट स्कोर
वैसे तो आप लाइव टीवी में भी क्रिकेट देख सकते हैं, लेकिन आप स्कोर देखना चाहें तो इससे डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि टीवी में थोड़ा लाइव आपको दिखाई देता लेट होता है, स्ट्रीमिंग होते होते कुछ डिले हो ही जाता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए भाई, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहे तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कुछ पूछना है और किसी कुछ बताना है, कुछ सजेशन है आपका, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी सफिशेंट टाइम है। तो वीडियो देखने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।